अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो फर्स्ट 25 एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए थे, और इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। Next MCQ was you are seeing a patient who is obese and you are planning a treatment plan that will focus on the weight loss. Which of the following type of exercises will be included in this plan? जो MCQ के statement थे वो as it is नहीं है, लेकिन main जो goal यही था कि आपका जो patient है आपने उसका weight loss plan करना है, तो कौन सी exercises होंगी? Options में strenuous high repetition exercise, low intensity high repetition exercise, strenuous low repetition exercise and low intensity low repetition exercise. तो इसमें जिस चीज़ पे फोकस करना था वो ये है कि जब भी हम वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो वेट लॉस के अंदर हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कराते हैं जिसके अंदर जो हमारे रेपिटेशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। अगर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर आप वेट या इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, मतलब वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, और रेपिटेशन जो हैं वो लो रखते हो। और जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हो तो जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, रेपिटेशन ज़्यादा होती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज लो इंटेंसिटी एंड हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू था कि आप आईसीयू में एक पेशेंट को देख रहे हैं और उसके हैंड्स की जो मूवमेंट है वो स्लो रिथिंग मूवमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी टर्म्स हैं जो कि इस कंडीशन को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन पर कोरिया, बेलिसमस, एथिटोसिस एंड एकाइलेसिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन वॉज एथिटोसिस, जो कि जो कोरिया और बेलिसमस हैं ये दोनों की दोनों रैपिड मूवमेंट्स हैं, जर्की मूवमेंट्स हैं। कोरिया डांस लाइक मूवमेंट्स हैं, बेलिसमस बैलिस्टिक मूवमेंट्स हैं, और जो एकाइलेसिया है इसका मतलब है लॉस ऑफ मूवमेंट। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज एथिटोसिस, स्लो ब्रीथिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज नॉट मेजर्ड बाय द फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर? ऑप्शन वन न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल, सेल्फ केयर, स्फिंक्टर कंट्रोल, मोबिलिटी। इस एमसीक्यू के अंदर अगर आप सिर्फ नाम पर ही फोकस कर लें, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर के ये फंक्शंस और इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फंक्शन और इंडिपेंडेंस में नहीं शामिल होती? तो उसमें सेल्फ केयर भी आ जाती है, स्फिंक्टर कंट्रोल भी आ जाता है, और मोबिलिटी भी आ जाती है। जो चीज़ नहीं आती दैट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल। तो ये जो हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर है इसके अंदर सेल्फ केयर है, स्फिंक्टर कंट्रोल है, ट्रांसफर्स है, लोकोमोशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल कॉग्निशन है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल इसमें डिस्कस नहीं किया जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू में आप एक स्पोर्ट्समैन है या पेशेंट है, उसको एंकल स्प्रेन का रिस्क है और आप टेपिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एंकल की पोजिशन है वो आपने क्या रखनी है? इसके बारे में मैं श्योर नहीं था, लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने आंसर लगाया दैट इज़ के आप देखें कि एंकल स्प्रेन का मैकेनिज्म क्या होता है, कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो लेटरल एंकल स्प्रेन है। और लेटरल एंकल स्प्रेन में आपका फुट प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है, आपका फुट इन्वर्जन में जाता है, आपका फुट एडक्शन में जाता है, फिर जाके आपकी एंकल स्प्रेन मिलती होती है। तो हमने अगर टेपिंग करनी है तो हम इन मूवमेंट्स के रिवर्स मूवमेंट करवा देंगे, मतलब स्प्रेन के अंदर डोर्सिफ्लेक्शन होती, प्लांटर फ्लेक्शन होती है तो आप उसको डोर्सिफ्लेक्शन में ले जाएँ, एंकल को इन्वर्जन होती है आप एंकल को इन्वर्जन में ले जाएँ, एडक्शन होती है तो आप एडक्शन में ले जाएँ। तो जोन सी पोजीशन स्प्रेन वाले मूवमेंट्स से ऑपोजिट है उसमें रख के आप उसकी टेपिंग कर दें, तो वहाँ पर वो उसको स्टेबल रखेगा, उसको प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन और एडक्शन के अंदर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज सिंपल, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमाटोपोइसिस, होम्योस्टेसिस, हीमोस्टेसिस और नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज हीमाटोपोइसिस। हीमोस्टेसिस ब्लड से रिलेटेड है, कि जो ब्लड की स्टेसिस है, ब्लड फ्लो जो कम हो जाता है दैट इज हीमोस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस आपके बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल के साथ मैच करते हैं। तो जो सबसे करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज हीमाटोपोइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू चेक नॉमिनल नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा? ऑप्शन वाज स्काई स्केयर, जी टेस्ट, कोलमोग्राफ स्मिर्नोव और रैप टेस्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज कोलमोग्राफ स्मिर्नोव टेस्ट। ये स्टैट्स की बुक या रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक के अंदर आप देख सकते हैं। काई स्केयर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि एसोसिएशन को देखने के लिए किया जाता है। जी टेस्ट और ये टी टेस्ट हैं सैम्पल्स के लिए किए जाते हैं, सैम्पल्स दो सैम्पल्स के बीच में
कोई सिग्निफिकेंस लेवल्स आ रहे हैं, कोई डिफरेंस है। और एफ टेस्ट जो है वो एनोवा का है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस का, और कोल्मोग्रोव स्मिरनोव एक टेस्ट है जो कि हम नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा को चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट एम सी क्यू वॉज यू आर सीइंग अ पेशेंट हु अंडरवेंट टोटल आर्थ्रोप्लास्टी विद पोस्टीरियर लोअर रिज ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कॉम्बिनेशन इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस पेशेंट। तो बेसिकली आप प्रिकॉशन की बात करें कि टोटल आर्थ्रोप्लास्टी में किस मूवमेंट से आपने अवॉइड करना है, तो ये थेराकोटिक्स की जो किस्मर की बुक है उसमें से आपको मिल जाएगा। कि आपने सिर्फ याद रखना कि पेशेंट को आपने टांग पर टांग रख के बैठने का मशवरा नहीं देना, कि जिस तरह कहते हैं कि टांग पर टांग रख के लेग्स क्रॉस सिटिंग जो होती है उससे अवॉइड करना। और क्रॉस सिटिंग को आप देखें कि क्रॉस सिटिंग कैसे होती है, पहले आपका हिप फ्लेक्शन में जाएगा, फिर आपका हिप एडक्शन में जाएगा, और फिर हिप की इंटरनल रोटेशन होगी। तो यही तीन मोमेंट्स हैं जिससे हिप आर्थ्रोप्लास्टी में अवॉइड करना होता है, फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। इसका कम्बिनेशन जो आपका फीमर का हेड है उसके डिसलोकेट करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि आप एक पेशेंट को रिहैबिलिटेट करें, अच्छा खासा लंबा सिनेरियो था, लेकिन एंड में पूछा ये गया था कि रिस्ट जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है, और इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंडलाइट जॉइंट है, सैडल नहीं है, हिंज नहीं है, पिवट नहीं है, कंडलाइट जॉइंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वाज कंडलाइट जॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज यू आर सीइंग अ पेशेंट हैड एन इंजरी टू हिज बाइसेप्स मसल एट अ मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी रिसेप्टर्स और ऑर्गन्स माइट बी डैमेज्ड। रफनेस एंडिंग्स, प्रेसिजन कॉर्पसल, जीटीओस, मसल स्पिंडल्स, ये जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स यहाँ पे मेंशन है ये मेजरली सारे के सारे मसल बेली के आसपास होते हैं। एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि टेंडन जंक्शन के पास होता है और उसके नाम के अंदर है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, और इसकी जो लोकेशन है वो मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन के पास होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन वाज जीटीओ। नेक्स्ट एमसीक्यू जीटीओ से रिलेटेड था, लंबा चौड़ा स्नैरियो था जिसमें पूछा गया था कि जीटीओ जब एक्टिवेट होता है, आप उसे एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो मसल की रिलैक्सेशन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वो जो फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस वर रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, क्रीप एंड हिस्टेरेसिस, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑटोजेनिक इनहिबिशन। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल से। जो रेसिप्रोकल इनहिबिशन है ये रोल है मसल स्पिंडल का, और जो ऑटोजेनिक इनहिबिशन है ये रोल है जीटीओ का। कि अगर आप मसल के अंदर टेंशन को बिल्डअप करते जाते हैं तो एक टाइम है कि जीटीओ फायर करता है, और जिस मसल में टेंशन डेवलप होती है वो उसी मसल के इनहिबिशन करवा के उस मसल की रिलैक्सेशन करा देता है। इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। जबकि मसल स्पिंडल को अगर आप एक्टिवेट करो तो वो ऑपोजिट मसल, मतलब जिस मसल के मसल स्पिंडल को एक्टिवेट किया है उसके एंटेगोनिस्ट मसल की रिलैक्सेशन करा देता है, जिसको हम वैसे प्रॉपर इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपके पास एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट आया है, आप उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, और आपका जो मेन गोल है वो ये है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाए बाथिंग में और अपने कपड़े चेंज करने में। तो कौन सी ऐसे बीच में जो ये कंडीशन है जिसमें ये मुश्किल टास्क तो है लेकिन अचीव हो सकता है। इसमें आपने सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करनी थी कि पेशेंट ने अगर कपड़े खुद से चेंज करने हैं इंडिपेंडेंटली तो उसके दोनों हाथ काम करने चाहिए। तो जितने भी चार ऑप्शन से, चार में से तीन ऑप्शन में क्वाड्रिप्लेजिया था, कि क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स कि चारों लिम्स पैरालिसिस में है, पैराप्लेजिया मीन्स कि उसके लिम्स पैरालिसिस में है लेकिन जो अपर लिम्स हैं वो बचे हुए हैं, वीक हो सकते हैं, उनमें पैरालिसिस हो सकता है लेकिन वो प्लेजिक नहीं है, पैरालिसिस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वॉज, आई थिंक देर वॉज T1 पैराप्लेजिया, बट पैराप्लेजिया के वर्ड पर फोकस करना था, तो जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वॉज अबाउट पैराप्लेजिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्मॉल रिदमिक ऑसिलेशंस आर यूज फॉर गेनिंग जॉइंट रेंज, पेन रिलीफ, स्ट्रेचिंग सॉफ्ट टिश्यू, मसल लेंथनिंग। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था दैट इज पेन रिलीफ। ये थेराप्यूटिक्स ही किसनर में ही आपको मिल जाएगा, कैल्टन बोन और मेडलैंड की जो टेक्निक्स है वहाँ पे जो आपकी ये रिदमिक ऑसिलेशंस हैं उसमें बताया हुआ है कि जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है स्टार्टिंग रेंज में जो हम परफॉर्म करते हैं वो पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज डिलोर, मैकक्वीन, ऑक्सफोर्ड टेक्निक्स, एस्टिमेट द पाउंडेज टू बी बेस्ड ऑन। के जितने भी ये टेक्निक्स हैं ये बेसिकली PRE हैं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, और जो आपकी काइनेसियोलॉजी की डीना गार्डनर की बुक है उसमें चैप्टर्स के अंदर हैं, जिसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो रेपिटेशन मैक्सिमम के ऊपर होता है। कि एक टेक्निक के अंदर हम
और पहले हम पेशेंट का कैलकुलेट कर लेते हैं आपका रेपिटेशन मैक्सिमम। उसको कैलकुलेट करने के बाद एक टेक्निक के अंदर वही जो रेपिटेशन मैक्सिमम है वही वेट दे के 10-10 की 4 सेट्स करा देते हैं रेपिटेशन के। एक टेक्निक के अंदर हम पहले उस रेपिटेशन मैक्सिमम का 50% देते हैं, फिर 75% देते हैं, लास्ट में 100% वेट देते हैं। और एक के अंदर हम शुरू में 100% देते हैं, फिर 75% देते हैं, फिर 50% देते हैं। लेकिन जो मेन फोकस होता है जो वो रेपिटेशन मैक्सिमम होता है इन दोनों टेक्निक्स के अंदर। एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू वाज यू आर फ्रेमिंग अ रिसर्च क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स अ पेशेंट्स पॉपुलेशन इंटरवेंशन टू बी अप्लाइड कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड द आउटकम ऑफ द इंटरवेंशन व्हिच एक्रोनिम इज यूज्ड फॉर दिस। इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज के आप एक्रोनिम क्या है इसके अंदर। और तो एक्रोनिम के अंदर हमने सिर्फ जो चार ऑप्शन दी थी उसके फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना था, पेशेंट्स पी, इंटरवेंशन आई, कंपैरेटिव इंटरवेंशन सी और आउटकम ओ, एंड द ऑप्शन वाज पीको। अदर ऑप्शंस कोई और थे ये नहीं थे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज पीको, पेशेंट्स, इंटरवेंशन, कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड आउटकम। Next MCQ was which of the following option is one of the three main pillars of evidence based practice. तो इनमें से तीन में से हमारे पास options are clinical expertise, intervention, patient's opinion and patient's health. तो इसमें जो main हमारा correct option that was clinical expertise. Clinical expertise ये तीन major pillars होते हैं, individual clinical expertise, best external evidence and patient values and expectations. ये तीन मेजर पिलर्स हैं और इसमें जो हमारे पास सबसे मेन पिलर दैट इज क्लिनिकल एक्सपर्टीज। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टडी द एक्सपोजर एंड आउटकम रिलेशन। ऑप्शंस वर केस कंट्रोल स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, केस सीरीज स्टडी और एनालिटिकल स्टडी। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी बेसिकली हमारी ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम दो ग्रुप्स बना देते हैं, एक ग्रुप में वो बना देते हैं जो कि केसेस होते हैं जिसमें हम स्टडी जो डिजीज स्टडी करना चाह रहे हैं या जो इंटरवेंशन स्टडी करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है, और कंट्रोल में एज सेम होती है, उनके डेमोग्राफिक सेम होते हैं लेकिन उनमें वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। और हम उन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि आया कि ये स्मोकर्स हैं और स्मोकर का कंट्रोल ग्रुप है जो कि स्मोकिंग नहीं करते, उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये केस कंट्रोल स्टडी हम यूज़ करते हैं एक्सपोजर और आउटकम का रिलेशन स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज के आप फर्स्ट हार्ट साउंड सुना है, फर्स्ट हार्ट साउंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए वाज ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ पार्टेंट ट्राइकस्पिड वॉल, ऑप्शन सी बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ऑप्शन डी वाज बोथ बी एंड सी। एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यहाँ से अगर आप देखें तो S1 रिप्रेजेंट्स क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स, और इसके बाद इट इज़ नॉर्मली सिंगल साउंड विकल्स क्लोजर और इट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। तो हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसकी बिगनिंग को भी मार्क करता है और क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल भी करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू वॉल्स के आपका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की उसका मेन जो पाथ है सीक्वेंस है वो क्या है। ये गाइटन के अंदर अगर आप गाइटन को पढ़ें, गाइटन के अंदर जो CVS वाले चैप्टर्स हैं उसमें ये सीक्वेंस है दैट के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो स्टार्ट होती है SA नोड से, SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ एस और बंडल ऑफ एस से परकंजी फाइबर्स जो कि मस्कुलर फाइबर्स होते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपकी हार्ट पे कॉन्ट्रेक्शन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज यू आर असेसिंग अ न्यूरोलॉजिकल पेशेंट इन विच यू स्क्रैच दैट मोनोमर रीजन ऑफ पेशेंट एंड लुक फॉर द मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वेयर डिस्क्राइब दिस। तो इसमें आई थिंक जो एमसीक्यू स्टेटमेंट थी वो ये थे कि आप डायमंड शेप को स्ट्रक्चर प्लेस करते हैं या डायमंड शेप उसमें आप मूवमेंट करवाते हैं और आप देखते हैं। तो दो रिफ्लेक्सेस बताए हुए थे, सुपरफिशियल एब्डोमिनल और प्रीमेस्टेरिक। जो प्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है वो इससे रिलेटेड नहीं है, उसमें बेसिकली आप थाइस को स्क्रैच करते हैं और टेस्टिस की मूवमेंट्स देखते हैं। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स इससे डिफरेंट है, तो नाम में जाहिर है एब्डोमिन को स्क्रैच किया तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ही होगा। और जो किस न्यूरॉन का लिजन होता है चेक करने के लिए, अपर मोटर न्यूरॉन लिजन को चेक करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज यू आर सीइंग अ पेशेंट ऑन हर थर्ड पोस्ट ऑफ डे फॉलोइंग सी सेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस काउंटर इंडिकेटेड एट दिस स्टेज। ऑप्शंस वर डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, नेक लिफ्ट्स, हिप स्लाइड्स।
इसमें तीन ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम पेशेंट्स को लाजमी कराते हैं सी सेक्शन होने के फ़ौरन बाद, और एक एक्सरसाइज है जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दैट इज़ लेग लिफ्ट्स, कि अगर आप दोनों लेग्स को एट अ टाइम आप उसको कहें कि SLR बायलैटरल SLR परफॉर्म करें, तो सी सेक्शन हुआ है, एब्डोमिन के इंसिजन है, उस इंसिजन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आएगा, और ये हम थर्ड पोस्ट शोल्डर पर कभी भी प्रेफर नहीं करते, और पेशेंट को डायस्टेसिस एक्टाई होने का भी खतरा होता है, तो हम इसके अंदर लेग लिफ्ट्स कभी भी नहीं करवाते। नेक्स्ट एमसीक्यू ये था कि आपने एक पेशेंट का बैलेंस असेस करें, आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो सीधा खड़े हों, अपने पाँव को क्लोज रखें, आंखें बंद करें और अपना बैलेंस मेंटेन करें, और जब वो ऐसा करता है पेशेंट तो स्वे आता है बॉडी में, बॉडी वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये कौन सा टेस्ट है? तो ये हमारे पास जो ये प्रोप्रियोसेप्शन का टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम है रोमबर्ग साइन, जिसके अंदर पेशेंट आई क्लोजर के साथ अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। नेक्स्ट एमसीक्यू वाज कि आपने एक पेशेंट देखा है जिसको बिलोनियल एम्पुटेशन है, आपके फिजिशियन ने बताया है कि उसको ग्रीव की सेकंड स्टेज पे है, तो पेशेंट को कौन सी चीज़ देखने में मिलेगी आपको? डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। बेसिकली फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं। फर्स्ट वन इज़ डिनाइल, डिनाइल के बाद एंगर है, एंगर के बाद बारगेनिंग है, उसके बाद डिप्रेशन है, और लास्ट में जाकर एक्सेप्टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन वाज एंगर। एमसीक्यू नंबर 15, द मैच्योरेशन अकर्स बाय द एक्टिवेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, कुड रिमेंबर नॉट फॉर नन ऑफ दीस। ये जो एमसीक्यू है ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, और जो स्फिंक्टर का कंट्रोल है दैट इज़ वाया पुडेंडल नर्व। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस बनते हैं कि पैरा सिंपथेटिक से सप्लाई आती है तो रिफ्लेक्स जनरेट होता है, और जब पुडेंडल नर्व से सप्लाई आती है तो हमारे पास मैच्योरेशन होती है। स्फिंक्टर कंट्रोल आप पुडेंडल नर्व से करते हैं, तो इट कुड बी बोथ, और इट कुड बी जस्ट पुडेंडल नर्व, और इट कुड बी पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। इस वीडियो के अंदर आई थिंक हमने 23 या 24 MCQs डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको जितनी गाइडेंस मिलती है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर आपको पता हो कि कब वीडियो अपलोड हो रही है तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए तो हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में जब हमने कुछ कमेंट्स से जिसके अंदर एक बात की गई थी कि जो हमारे पास एक एमसीक्यू आया था लैक्मे टेस्ट से रिलेटेड, तो उसकी जो कहा गया है कि उसका गोल्ड स्टैंडर्ड MRI है, जो लैक्मे टेस्ट है वो उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपने एमसीक्यू की स्टेटमेंट ठीक से पढ़ी है तो वहाँ पे लिखा था गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रॉल टेस्ट। ड्रॉल टेस्ट का वर्ड मैंने बार बार फोकस किया था। आई नो कि MRI से आप डेफिनेट डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन MRI इज़ नॉट अ ड्रॉल टेस्ट। तो ड्रॉल टेस्ट का जो वर्ड आया था उसने मुझे पूछ लिया कि वो लैक्मे टेस्ट है। वो बात भी ठीक है कि लैक्मे टेस्ट से की जो स्पेलिंग थी वो LACKMAN लिखी थी, गलत स्पेलिंग लिखी हुई थी, लेकिन टेस्ट वही बनता था। MRI इज नॉट अ ड्रॉ टेस्ट। और बाकी अगर किसी को किसी MCQ से रिलेटेड स्टिल कन्फ्यूजन है तो वो सिंपली इसको डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।